हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.5, जिसमें कि हम लोगों ने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बाद यानी क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में हम लोगों ने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, उस आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, हमारे प्लेलिस्ट का लिंक, जो भी हम लोग क्लासेस लेते हैं वो सारे लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें, सो डैट कि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, जो लेटेस्ट वीडियोस हैं, उसके लिए आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एनसीईआरटी के क्लास के बाद जो हम लोग अभी सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग आरडी शर्मा के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आरडी शर्मा के एक्सरसाइजेस को फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज तो हम लोग एनसीईआरटी को ही डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। बी सेफ एंड स्टे एट होम। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पोर्शन है, फैक्टराइज करना है हमें। अब देखिए, फैक्टराइजेशन में यहाँ तीन टर्म है और तीनों ही पॉजिटिव साइन है, तो इसलिए हमारे पास इस तीन टर्म का दो फार्मूला होता है। तो एक तो होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर और एक होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। चूँकि इसमें तीनों ही पॉजिटिव टर्म है इसलिए x प्लस वाई पर होल स्क्वायर पर सेट होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये मिलेगा, देखिए मिडिल टर्म 2a की जगह पर 3x हो गया इंटू वाई, देखिए 6y हो गया, 6xy हो गया, इसलिए हमारा ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे मिडिल टर्म माइनस है यानी ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर पर ब्रेक होगा। ये देखिए माइनस ये 2y का होल स्क्वायर है माइनस 2 ए बी प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ दो टर्म है, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पर ब्रेक हो रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई अपॉन 10 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 10। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमें एक्सपेंड करना है यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के फॉर्म में तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8xz आंसर आ जाएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें मिडिल टर्म y के साथ माइनस है तो y वाला जो टर्म होगा वो नेगेटिव करते जाएंगे 2xy 2yz 2zx वाले टर्म्स में। तो पहले तो हम इसका फर्स्ट थ्री टर्म्स लिखते हैं, 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो नेगेटिव है तो हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 12yz माइनस 8xz। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी हो सकता है, माइनस 3a प्लस 7b प्लस c का होल स्क्वायर, ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर आएगा, सेम एक्सपेंशन आएगा, 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 42ab प्लस 14bc माइनस 6ac। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को वो इस तरह से भी दे सकता है, 2x माइनस 5y प्लस 3z का होल स्क्वायर, इस तरह से भी वो दे सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस 12xz प्लस 12xz साफ साफ लिख दे रहा हूँ 12xz ये। नेक्स्ट, इसका एक्सपेंशन करते हैं क्या आएगा, ए स्क्वायर अपॉन 16 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 माइनस ए बी अपॉन 4 माइनस बी प्लस ए अपॉन 2। नेक्स्ट, हमें फैक्टराइज करना है। अब देखिए इसका ये x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर पर है, अब इसका क्लू ये है कि जो नेगेटिव टर्म अगर है तो कॉमन क्या है, z, यानी z वाला जो थर्ड टर्म होगा उसके साथ हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x
प्लस 3y माइनस z वाले टर्म के साथ माइनस कर दिया हमने, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब ये 2x स्क्वायर है, इसका मतलब इसका मतलब ये है कि रूट टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू रूट टू जेड का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी माइनस टर्म है, यहाँ भी माइनस टर्म है, इन दोनों में कॉमन कौन सा है? एक्स, इसलिए एक्स वाले टर्म के साथ हम माइनस करेंगे, माइनस रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस टू रूट टू जेड, और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं होल स्क्वायर रूट टू एक्स माइनस वाई माइनस टू रूट टू जेड का होल स्क्वायर। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है हमें इसे, लिखते हैं ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 36 ए स्क्वायर बी प्लस 54 ए बी स्क्वायर। नेक्स्ट, 27 अपॉन 8 एक्स क्यूब प्लस 27 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 एक्स प्लस वन। नेक्स्ट, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4/3 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 8/27 वाई क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 माइनस 1 का क्यूब ए क्यूब माइनस 970 299। नेक्स्ट क्वेश्चन, 102 हम इसे क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 2 का होल क्यूब, इसे एक्सपेंड करते हैं, 1200 प्लस 8। फाइनल आंसर क्या आएगा इसका? 1061208। नेक्स्ट, 998
क्या लिख सकते हैं इसे हम, 1000 माइनस 2 का क्यूब, तो क्या आएगा a क्यूब माइनस 6 प्लस 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 9940119922। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब पर है, देखिए 2a का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 6ab कॉमन निकल जाएगा, इंटू 2a प्लस बी, 3xy इंटू x प्लस y, इसलिए क्या हो गया 2a प्लस बी का होल क्यूब है, लेकिन हमें फैक्टर के फॉर्म में लिखना है इसे, इसलिए हम इस ब्रैकेट को 3 बार लिखेंगे, ये हमें एग्जाम में आंसर देना होगा। वैसे तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ये आएगा 2a प्लस बी का होल क्यूब, ये भी करेक्ट है, लेकिन चूंकि हमें फैक्टर के फॉर्म में देना है इसलिए हमें इस फॉर्म में लिखना होगा। सेकंड, तो सिमिलरली इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, ये 2a माइनस बी का होल क्यूब। थर्ड, ये क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब है माइनस 5a का होल क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या आ जाएगा, 4a माइनस 3b का होल क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। नेक्स्ट, वेरीफाई करना है हमें, तो हम वेरीफाई किस तरह से करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे, RHS लेके चल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, एक्स वाई स्क्वायर इससे कट गया, वाई एक्स स्क्वायर इससे कट गया, अब क्या बच गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसलिए वेरीफाइड हो गया है। इसे भी वेरीफाई करना, सिमिलरली हम इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, एक्स वाई स्क्वायर से कट गया, वाई एक्स स्क्वायर से कट गया, क्या रहा ये, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, फैक्टराइज करना है, तो ये क्या है, 3y का क्यूब प्लस 5z का क्यूब a प्लस बी, 3y प्लस 5z इंटू ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा।
इससे हम फैक्टराइज करेंगे तो 4m का क्यूब माइनस 7n का क्यूब बराबर 4m माइनस 7n इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फैक्टराइज करना है तो ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री ए बी सी थ्री एक्स वाई जेड। तो इसलिए ये क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी थ्री एक्स प्लस वाई प्लस जेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरीफाई करना है हमें। तो देखिए x से पहले अंदर सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y से अंदर के सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर z से अंदर के सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और 1/2 बाहर में। तो मैं एक टर्म आपको करके बता रहा हूँ, अंदर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं ये तो फॉर्म जो है ये आ जाएगा, सॉरी एक मिनट, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस सेट है, और जो अंदर में फॉर्म है ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखिए हम 1/1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर। वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड। फिर मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा यहाँ पर 1/2 नहीं आएगा क्योंकि हमने उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है, 1/2 नहीं आएगा। अब z से मल्टीप्लाई करते हैं, z x स्क्वायर प्लस z y स्क्वायर प्लस z क्यूब माइनस x y z माइनस y z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर x। देखिए मैं 1/1 कैंसिल कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे उसे। देखिए ये एक्स वाई स्क्वायर इस एक्स वाई स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, एक्स जेड स्क्वायर प्लस इससे कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई से कैंसिल होगा, माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर इस माइनस वाई जेड स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा।
माइनस वाई स्क्वायर जेड इस प्लस वाई स्क्वायर जेड से कैंसिल हो। अब देखिए क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन शो करना, देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब ये कह रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ज़ीरो, यानी रात ये ज़ीरो इंटू दिस ब्रैकेट ज़ीरो हो जाएगा, तो इसलिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, थ्री एक्स वाई जेड। क्वेश्चन नंबर 14, अब देखिए पिछले आइडेंटिटी पर ये सम है आपका, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो रहा है, माइनस ट्वेल्व प्लस सेवन प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा, थ्री ए बी सी थ्री एक्स वाई जेड एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस ट्वेल्व हंड्रेड सिक्सटी। आप यहाँ देखें, यहाँ भी इन तीनों का सम ज़ीरो है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, थ्री ए बी सी वन सिक्स थ्री एट ज़ीरो। ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया है, ये फैक्टराइज करते हैं इसे, ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर माइनस ट्वेंटी ए माइनस फिफ्टीन ए प्लस 12, इसको फैक्टर करेंगे हम, ये आएगा 5a माइनस 3 इंटू 5a माइनस 4। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वन ऑफ द ऑप्शंस ये है कि ये उसका लेंथ हो और ये उसका ब्रेथ हो, लंबाई गुने चौड़ाई, ये तो होता है इसका एरिया का फॉर्मूला, और ये वन ऑफ द ऑप्शन है। अब देखिए लेंथ ऑफ ब्रेथ अगर हम सोचे तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकते हैं, वन इंटू ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर माइनस थर्टी फाइव ए प्लस ट्वेल्व, ये भी वन ऑफ द ऑप्शन है। तो ये जो हम आंसर कह रहे हैं ये बहुत सारे ऑप्शन में से एक ऑप्शन है, ऑप्शन बहुत सारे हो सकते हैं इसके, इसे भी फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करने के बाद इसका मिडिल टर्म मैं स्प्लिट कर दे रहा हूँ आपके लिए, प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12, तो ये आएगा 7y माइनस 3 इंटू 5y प्लस फोर, इसलिए इस केस में ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो हम लोग इसको तीन फैक्टर के फॉर्म में अगर आ जाता है तो लिखते हैं थ्री एक्स एक्स माइनस फोर
ये तीन फैक्टर हो गया, ये लेंथ हो सकता है, ये ब्रेथ हो सकता है और ये उसकी हाइट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले तो हम इसमें से फोर के, यहाँ भी वॉल्यूम है, पहले तो हम फोर के कॉमन निकाल लेते हैं, बच जाएगा थ्री वाई स्क्वायर